पूजा ने इतना खा लिया कि इसका बिगड़ गया है आकार, अब वो तभी ठीक हो जब आएगा पूजा को डकार। तो आज है हमारी सालगिरह, तुम पीछे क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ साल कहाँ गिरा है। तो हमारी आज है नौवीं एनिवर्सरी और हम जा रहे हैं बाहर आउटिंग के लिए, तो मैं हाफ डे लेके फटाफट से आया हूँ और आज हम बहुत ही स्पेशल जगह जाने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हम लेट हो और उस व्यू को हम तो मैं नहीं चाहता हम उस जगह के व्यू को मिस करें, इसलिए हम फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और फिर वहीं जाके और होप बारिश ना हो ना व्यू का मजा। तो हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, वैसे तो इतनी लंबी जर्नी नहीं थी पर क्या सो गया, इट ऑलमोस्ट टुक 25 मिनट्स। चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचने में लगते हैं ऑलमोस्ट 20-25 मिनट और बाकी मैं बाहर जाके दिखाता हूँ। क्या को उठाते क्या, तो हम जहाँ आए हैं आजकल ये जगह काफ़ी हाइप में है, इसका नाम है प्रे जो सिसवा डैम के बिल्कुल पास में। सो ये पार्किंग है जहाँ पे आपको पहले रिजर्वेशन करानी पड़ती है, तो हमने भी एडवांस में रिजर्वेशन करा रखी थी, तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं। 2 घंटे का स्लॉट रहता है ऑलमोस्ट आपको जो भी खाना पीना है, और मैंने रखा था 7 बजे का स्लॉट कंसीडरिंग कि मुझे ऑफिस से आना है तो टाइम लग सकता है। बट ये है जंगल के बीच में एकदम पास में सिसवा डैम के बिल्कुल पास में, बाकी अंदर जाके देखते हैं कैसा है क्योंकि नाम तो काफ़ी आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम पर इसका। तो ये है ड्रॉप लोकेशन, जिसको पैदल चलने में दिक्कत है वो यहाँ से ड्रॉप लेके नीचे पार्किंग में जा सकता है। और ये है एंट्रेंस जहाँ पे बना है प्रे बुश डाइनिंग एक्सपीरियंस। क्या नहीं है क्या, टाइगर थोड़ी लेपर्ड है, लेपर्ड चीता। चलो चलो, मेरे को तो भूख भी बहुत लगी है। क्या इंट्रोड्यूस करोगे? मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी, मैं कह रही हूँ आजकल इंस्टा से इतनी अवेयरनेस हो गई कि मैंने इंस्टा में ये देख के लिया। तो ये पूजा ने हमारी एनिवर्सरी पे डिसाइड किया था कि हम प्रेस से वहाँ पे आए अपनी 9th एनिवर्सरी पे, तो मैं उसको फिर 9 नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट अभी सनसेट टाइम होने वाला है, तो व्यू काफ़ी सुंदर है बिल्कुल डैम के एकदम पास में। पकड़, ऐसे नहीं पकड़ते बटरफ्लाई को, ऐसे पकड़ते ऐसे। सिसवा का मेन्यू है, यहाँ पे आने का सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि एडवांस रिजर्वेशन और पर चेयर यहाँ पे आपको बुकिंग करानी पड़ती है। एक चेयर का कॉस्ट है 1000 रुपीज़। सो ये हमारी सिटिंग है और आगे का मेन्यू देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये तो तुम ड्रिंक्स का देख रही हो, ड्रिंक्स मेन्यू, पहले खाने का देखो, पीने की पहले शुरू होगी वजह का। वॉशरूम में भी एकदम जंगल की थीम दे रखी है। तो आते ही पहुंच के जोर से आ गई है ससुर। मैं अभी अपने थोड़े से जो बाल हैं उनको सेट कर लेता हूँ। तो वॉशरूम में इन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेडिशनल सी लुक दे रखी है। ये लो, इससे पहुँच लो, यहाँ पे वो भी टॉवल्स भी दे रखे छोटे।
आप यूज़ कर सकते हो, उसको यूज़ करके वहाँ डालना उसमें, ठीक है। हो गया, चलो। व्यू तो काफ़ी ऑसम है, सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है। ये रहा इनका बार जहाँ मेन सामान पड़ा है, असली सामान तो यहाँ है। तो क्योंकि यहाँ आने के लिए मैं पूजा को नॉ नहीं कर पाया, इसलिए आज हम पूजा की चॉइस का खाने वाले हैं। मैं फिलहाल कॉफ़ी देख के, मेरे लिए काफ़ी कुछ हो गया है। चलो आप खाओ, आपको भूख लग रही थी। देखो चेरी। पिज़्ज़ा जो है बहुत ही हमारा नेपोलियन बेस्ड इसका। भैया से भैया बता रहे हैं। बताओ भैया, वीडियो में बताओ कि थिन क्रस्ट होता है, वो हमारा नेपोलियन बेस्ड है। बहुत इसके 3 दिन में फर्मेंटेशन रहता है, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है। सो जैसे ये भैया ने बताया, इसका बेस ये फर्मेंट करके बनाते हैं। लेट्स सी। मुझे नैपकिन है वहाँ पे। चीयर्स, हैप्पी एनिवर्सरी। तो जो हमारे सर्विस टेबल पे हैं, उनका नाम है मनोज। पूजा बताएगी उनके बारे में। मैं क्या बताऊंगी। हाँ, ये पूजा को पड़ोसी मिल गए। पड़ोसी नहीं, पहाड़ी है मेरे उधर के, यही है। गढ़वाली इकट्ठे हो गए, कनेक्ट हो गए, इसलिए बार बार वो पूछ रहे हैं कि मैम कुछ अगर और चाहिए, मैम कुछ और चाहिए। इसलिए पहाड़ी कनेक्ट हो गए ना। क्या कैसा लग रहा है? नाइस। पहाड़ी सेटिंग का वैसे तो सब सही है, एम्बियंस अच्छा है, बस बिल्कुल स्पीकर के बाद बैठ गए तो मुझे इतना लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है, तो थोड़ा सुनने में मुश्किल हो रही है। अभी हुआ है रिसेंटली, 1-2 महीने हुए। मिर्ज़ापुर से हमारा चिकन आता है, फार्म है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर से जब भी उनको किसी के जो फार्म से आता था, उनको हमने ट्रीब्यूट किया हुआ है। मिर्ज़ापुर चिकन बहुत अच्छा जूसी है, एकदम मसाले मसाले से सिलबट्टे भी यूज करते हुए मसाले से। बाकी सब तो सही है, बस हम म्यूजिक के पास बैठे, पता नहीं सुनाई कितना देगा वीडियो में। थैंक यू भैया। तो ये मिर्ज़ापुर चिकन के बारे में पूजा कुछ बताना चाह रही है क्या? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे थे भैया? क्या कह रहे हैं, ये जो चिकन का नेम है मिर्ज़ापुर, ये स्पेशली मिर्ज़ापुर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मिर्ज़ापुर से ही आया है। चिकन की कुक आया है? चिकन नहीं आया, मेरे कुक आया। कुक आया कि चिकन आया, अभी बता दो। मिर्ज़ापुर से चिकन आया कि कुक आया? मिर्ज़ापुर से चिकन लाया हम। चिकन आया। मिर्ज़ापुर में स्पेशल मिलते है चिकन? बनता नहीं वहाँ से ना, हमारा रॉ चिकन आता है, उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं। वहाँ से हम उससे लेते हैं चिकन, उसके फार्म से, दुकान से, वहाँ से हमने ट्रिब्यूट किया हुआ है बस। अच्छा, वहाँ से हमारा चिकन आता है, फार्म वहाँ पे, इसलिए उसका नाम मिर्ज़ापुर चिकन है। सही है, थैंक यू। जो चिकन है ये काफ़ी टेस्टी है। मैंने अपनी शर्ट गंदी कर ली। रात का एम्बियंस और भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। आई एम नॉट श्योर आपको कितना सुनाई दे रहा है, क्योंकि मेरे बिल्कुल पास में ही स्पीकर है, जिससे थोड़ा ऑडियो इश्यूज आ सकते हैं।
ये है रात का व्यू। सही बात है, हमारा कैंडल लाइट डिनर हो गया क्योंकि मेन्यू पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है। खुला एटमॉस्फेयर है, इतना अच्छा सा व्यू है और कैंडल के साथ हम अपना मेन्यू पढ़ रहे हैं। हाँ, आंखों को बहुत स्ट्रेस देना पड़ रहा है। पर भूतिया स्टाइल में ये यहाँ रख दो। अरे ऊपर रख दो कि तो पेज कैसे पलटूंगा। तो इस मेन्यू को जो बहुत ही मुश्किल से हम पढ़ पा रहे हैं रात को, भैया से पूछते हैं, भैया ये जो एवोकाडो गिलावत कबाब, ये चिकन है कि मटन है? चिकन और ये वेज की है। आपको नॉन वेज में चाहिए? हाँ। मटन शामी कबाब करना, बहुत अच्छा है। मटन शामी कबाब साइड। ऑर्डर तो हमारा आ गया पर दिख नहीं था। यहाँ ही रख दो इसको, यहाँ रख दो। उधर तो दिख ही नहीं रहा। तो पूजा के फोन के सहारे हमने अपना ऑर्डर दिखाई दिया क्या है, मतलब लास्ट हमारा स्नैक्स से ही पेट भर चुका। पूजा ने इतनी जल्दी वो गिव अप कर दिया। मतलब मैंने तो अच्छा कि लंच नहीं किया था, तो मेरे लिए तो पेट में काफी जगह थी खाने के लिए। सही कह रहे हैं मम्मा, सही कह रही है। ज्ञान भी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ मैं। तो हमारा टेबल जो है वो 9 बजे तक हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे का स्लॉट रहता है। अभी भी काफ़ी लोग हैं पर पूजा ने इतना खा लिया कि इसका बिगड़ गया है आकार। अब वो तभी ठीक हो जब आएगा पूजा को डकार। तो ये यहाँ पे है 100 ब्राउनी करके, जो यहाँ की काफ़ी अच्छी फेमस डिज़र्ट है जिसमें मैं ऑलरेडी मुंह मार चुका हूँ और काफ़ी अच्छा डिफरेंस टेस्ट है इसका। वैसे तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज़ है पर हम ऑलमोस्ट अपना डिनर तो क्या करें, मतलब जो भी खाया उसी से पेट भर गया। और अब जो बची पेमेंट है वो करके, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एक चेयर के हैं 1000 रुपीज़ और उसके ऊपर जो भी ओवर एंड अबव बनता वो आप दे सकते हो। एंड फीडबैक फॉर्म भर के हम निकलते हैं। पहाड़ी रॉक्स लाइटिंग, हाउ वी कैन इंप्रूव लाइटिंग, ऑब्वियसली ना थोड़ी लाइटनिंग थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। बाकी हम चलते चलते आगे जाके फीडबैक देते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा शोर है कि मैं बता नहीं सकता क्या। चलो, तो पूरा पैसेज जो है वहाँ पे लालटेन से इन्होंने सजाया, बाहर भी मुझे दिखाई दे रही है लालटेन। बाहर से रात को कुछ ये ऐसा लगता, पूरे पैसेज में रखी है लालटेन ताकि कोई रास्ता ना भूल जाए। वैसे तो बाहर निकलते ही पार्किंग है बट नाइस, अच्छे फील दे रहा है, देसी देसी सी। चलो फिर चला जाए। सो आज हमने जो अपने यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत नाम सुना था द प्रेसिस वन डैम, जो चंडीगढ़ से ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स की ड्राइव पे है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था पूजा? अच्छा, बढ़िया। तो बस अच्छा था कि हमने फर्स्ट वाला रखा। तो यहाँ पे बस आने से पहले आप मेक श्योर करें कि अपनी रिजर्वेशन करके आए। यहाँ पे 2 स्लॉट्स हैं, 6:30 PM एंड 8:30 PM। जो आप लास्ट वाला स्लॉट था वो थोड़ा अंधेरा, मैं सजेस्ट करूँगा 6:30 PM वाला, क्योंकि 8:30 PM के बाद तो यहाँ पे दिखना ही बंद हो गया था। लाइटनिंग इतनी कम है। हाँ, वो लास्ट ऑर्डर 11:30 PM, 11 PM तक लेते हैं। हम अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको ये हमारा एनिवर्सरी 90 साल का अंधेरा है। तो वो रोशनी, तो यहाँ पे रोशनी की बहुत डिफिकल्टीज है, यहाँ पे इशू है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड, हाँ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं रखता हूँ, दिख नहीं रहा। बाय।
ओके स्टॉप 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 अभी एनिवर्सरी अभी बाकी है क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन केक के बगैर तो कंप्लीट होता ही नहीं है. हैप्पी एनिवर्सरी टू पूजा एंड सैम. ये थोड़ा भी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से छुरी जल चुकी है क्योंकि हैप्पी को आग लगी थी. चलो लेट्स अब तब तक ओ लगे. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. ये बहुत कम मौके मिलते हैं अपनी बीवी को काटने के. वो उसने पूरा फायदा उठाया चीज का. वेरी गुड. कितने पहले ये बताओ कितने साल पूरे हुए. नौ. पूजा कैलकुलेट करिए. पूजा को याद नहीं है. नौ हो चुके हैं तब से मैं नौ नहीं करता. तो हम इस ब्लॉग को फाइनली करते हैं खत्म. खत्म. वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी टू सैम एंड पूजा.